तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो यहां पर हमारा रजिस्ट्रेशन स्टेटस इनएक्टिव बता रहा है तो उसको एक्टिव कैसे करेंगे हम। ठीक है, तो ये रिन्यूअल करने के बाद एक्टिव हो जाता है दोस्तों। रिन्यूअल जैसे आप करते हैं तो आपको एक मैसेज आता है। उस मैसेज में आपको एक लिंक दी जाती है। वो लिंक पर अगर हम जाके पेमेंट करते हैं तो हमारा जो रजिस्ट्रेशन स्टेटस है इनएक्टिव दिखाता है, तो वहाँ पर एक्टिव हो जाता है। ठीक है, और एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ पर आपको एक्सेप्ट बता रहा है। ठीक है, और जिनका जो एक दो साल से रिन्यूअल नहीं करते हैं वहाँ पर ये हो जाता है, डीएक्टिवेट हो जाता है या फिर क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो यही बताऊँगा आप लोगों को। तो कैसे पेमेंट करते हैं, क्या करते हैं, ये सारा कुछ आपको डिटेल में समझा कर बताऊँगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना, आपको इसी तरह की वीडियो हमारे चैनल पर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, अगर आप प्रोफाइल लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपका सारा कुछ आ जाएगा। यहाँ पर आपका जो भी नाम है और आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर और ये रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारा कुछ आ जाता है यहाँ पर। तो ये इनएक्टिव दिखा रहा है, तो यहाँ पे इसको हम एक्टिव कर देंगे। ठीक है, हम जाते हैं। देखो, यहाँ पर हमारा मोबाइल है और मोबाइल के अंदर मेरे को एक मैसेज आया हुआ है कि आपका जो है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, मेरे को एक मैसेज आया था कि आपका अपला नूतनीकरण मंजूर झाला है, अपन दिलेल्या लिंकवर जाऊन सभासद फी भरावी। ठीक है, इस तरह का आपको भी मैसेज आ गया होगा। तो ये मैसेज के ऊपर एक लिंक दी गई है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, फिर वो आपको लेके जाएगा वेबसाइट पर। ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए, मैंने इस पर क्लिक किया हूँ उस लिंक पर, तो ये मुझे MyBOCW की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट करेगा। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से खुलकर आ जाता है। फिर जो भी हमारा पेमेंट डिटेल होता है, तो यहाँ पर आपका वर्कर आधार नंबर, यहाँ पर आधार नंबर के चार लास्ट के अंक दिखा रहा है, और मेरा मोबाइल नंबर दिखा रहा है जो कि मैंने ब्लर कर रखा है। ठीक है, और एप्लीकेशन पर्पस किस लिए हम कर रहे हैं, तो रिन्यूअल के लिए, और सब्सक्रिप्शन फीस की 1 रुपया टोटल अमाउंट होगा हमारा 1 रुपया। ठीक है, तो मेक रिन्यूअल पेमेंट पर हमको क्लिक करना है, जो ग्रीन में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये हमको रिडायरेक्ट करेगा हमारे UPI की तरफ। ठीक है, आप किससे करना चाहते हैं, तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसने बता दिया है कि आप क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI वॉलेट, जो कुछ भी यहाँ पर आपको इससे कर सकते हैं, या फिर QR कोड से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको करेंगे UPI से। ठीक है, तो मैं UPI पे करता हूँ उसको, तो ये हमको ये कर जाएगा अभी फ़ोनपे, गूगल पे, या फिर जिससे भी आप करना चाहते हैं, व्हाट्सअप से वगैरह से। तो हम करते हैं इसको गूगल पे से। ठीक है, मैंने गूगल पे इसको क्लिक किया, अभी हमको गूगल पे पर लेके जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर ये बोल रहा है कि आपका 1 रुपया फीस की भरना होती है। ठीक है, तो मैं इस यहाँ पर से क्लिक करके इसकी 1 रुपये के लिए कर देता हूँ उसको। ठीक है, यहाँ पर मैं अपना पिन डाल देता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैंने अपना पिन डाल दिया, और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये इसने एक्सेप्ट करके बोल दिया। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसने बता दिया है आप पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यूअर फॉर्म इज एक्टिव। ठीक है, तो मैंने आपको बता था कि वो इनएक्टिव दिखा रहा है, तो अभी हम जाते हैं अपनी वेबसाइट पर। ठीक है दोस्तों, हम जाते हैं अपनी वेबसाइट पर जो मैंने यहाँ पर दिखाया था आपको। ये देखिए, अभी भी यहाँ पर इनएक्टिव दिखा रहा है, अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, मैंने अभी इसका पेमेंट कर दिया हूँ, लेकिन अभी भी ये इनएक्टिव दिखा रहा है। अगर इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं तो क्या होता है, देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसको रिफ़्रेश किया था, तो रिफ़्रेश करने के बाद देखिए दोस्तों, आप ही के सामने मैंने इसको पूरा, यहाँ पर पहले इनएक्टिव दिखा रहा था, लेकिन अभी ये एक्टिव हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना सभासद फी भरेंगे, जो कि आपको मैसेज आया होगा, तो उस तरह मैसेज पर आकर अपना पेमेंट भी कर सकते हैं, 1 रुपये में हो जाता है वो। ठीक है, तो अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलता है नए वीडियो के साथ। अभी एक आने वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, जो कि भांडी किट के बारे में होगी, तो ज़रूर देखिएगा उसको, एक दो दिन में अपलोड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों।